अच्छा संतोष, आपके क्या पिक्स रहेंगे? आप बुलिश बेट्स ले रहे हैं? ब्रोडर मार्केट से मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा पहला स्टॉक जमुना ऑटो है। यहाँ पर आप देखो तो ये अपने 200 दिन के फ्रेम बहुत अच्छा बेस बना रहा है, एक बुलिश इन्वर्स रिटर्न शोल्डर के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर 150.5 का टारगेट रहेगा और 102.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक थर्मेक्स है, जिसपे मैं काफी बुलिश रहा हूँ और लास्ट वीक इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। पिछले 2 दिनों में इसमें एक पुल बैक देखने को मिला है, पुल बैक क्या में इसमें सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा 2400 का टारगेट रहेगा और 2000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा लास्ट पिक जो है वो ग्रेफाइट इंडिया है। कल के वीक मार्केट में भी इसमें अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला था, इसमें डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है और एक पुल बैक के दौरान इसने सपोर्ट लिया 20 डे मूविंग एवरेज पर और कल अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाई है। तो यहाँ पर 595 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 533 का स्टॉप लॉस रहेगा। वो ग्रेफाइट इंडिया मेरी कॉल ऑफ द डे भी है। राइट।